नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। लेकर आई हूं आपके लिए गुड न्यूज बुलेटिन। बदलाव की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ बदला, आइए जानते हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी सेवाओं में एक नया फीचर शामिल किया है, जिसके अंतर्गत महिला यात्रियों को अपनी पसंद की सीट चुनने का विकल्प मिलेगा। ये सुविधा विशेष रूप से महिला यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी, जो अब वेव चेक इन के दौरान यह पता कर सकेंगी कि किस सीट को पहले से ही आरक्षित किया गया है और किसे नहीं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिला यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को और सुरक्षित और आरामदायक बनाना है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वानुमान से एक दिन पहले आज यानी गुरुवार को केरल तट और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को बताया था कि अगले 24 घंटों के दौरान केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। मौसम कार्यालय ने 15 मई को केरल में 31 मई तक मानसून के दस्तक देने का अनुमान जताया था। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की आंसर सीट जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी नीट आंसर की इस वेबसाइटों पर जाकर डाउनलोड कर सकती है। जिन अभ्यर्थियों को नीट आंसर की के उत्तरों पर कोई आपत्ति है तो वे प्रति प्रश्न 200 रुपए का भुगतान कर 31 मई की रात 11:50 तक अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकती है। इंडियन आर्मी सर्विस कमीशन ने क्वालिफाई मेल और फीमेल वेटनरी ग्रेजुएट की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुल 15 पदों पर भर्ती की जा रही है। इनमें 12 पद मेल और 3 पद फीमेल के हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन दिए गए फॉर्मेट में किया जाएगा। आवेदन की आखिरी तारीख 3 जून 2024 को शाम 5 बजे तक है। इसके बाद किए गए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकती है। इस समय भर्ती चल रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जून 2024 है। फिलहाल के लिए गुड न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स।